तो देखिए इधर है बाबूराव, वहां पे हार्पिक को दिखा दो। हार्पिक इसमें किस दिख क्यों दिखा रहा है? क्या है, कहां जा रहे हैं? तो अभी रात के बज रहे 10, रात के बज रहे 10 और अभी हम सब लोगों को जोर से भूख लगा है क्योंकि हम लोग सो गए थे, शाम में सो गए थे तो खाना बिल्कुल नहीं बनाए हैं। तो अभी उठते हैं, वो बाहर गया कि मेरा दोस्त, तो अभी वह बाहर से कुछ पनीर वगैरह लेकर आया है। तो पनीर क्या लाया हूँ? मिला नहीं कुछ, कुछ नहीं मिला, पनीर भी नहीं मिला। गोभी लेकर आया हो? गोभी, फूल गोभी लेकर आया, ठीक है, ठीक है, नहीं मिला भाई। तो इन लोगों को थोड़ी पता चलता कि नहीं मिला, अब इतना भी सच बोलने की क्या जरूरत थी? चलिए ठीक है, नहीं मिला है, पनीर में नहीं मिला, मशरूम भी नहीं मिला, फूल गोभी मिला। बात ऐसा है कि अभी हम बाहर घूमने निकले थे, ठीक है, बाहर घूमते घूमते फिर याद आया कि अरे मेरा दोस्त भी एक रहता है इधर, तो सोचे कि इसके रूम पे चल जाते हैं। तो रूम पे आए तो पता चला कि रूम पे ये तो है लेकिन कुछ है नहीं रूम पे, मतलब खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है। तो बताइए आप पहले यूपी में कहाँ से हैं आप? यूपी में मैं लखनऊ से। लखनऊ से, अच्छा नवाबों का शहर लखनऊ। यस, नवाबों का शहर, इसीलिए नवाबी करते हैं। यस, आराम से हम लोग सेठ की तरह रहते हैं। उसी में गंगा के ओ पार में ओ थी कैंपिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, कैंपिंग करवाए दे। अब एक क्रूज स्टार्ट हो रहा है, वो पूरा पता है गंगा नदी में एमबी क्रूज है। वो पता क्या, वो यूपी और बिहार में जो भी गंगा मैया जो फ्लो कर रहे हैं उस पे वो क्रूज चलेगा और अलग अलग जगह पे उसका स्टॉपेज है। वहाँ पे जो भी पर्यटक रहेंगे, जो भी टूरिस्ट रहेंगे, उनको वहाँ पे घुमाया जाएगा और बिहार यूपी के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। पेट पूजा करते हैं। हाँ, पेट पूजा तो भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए आप ब्लॉग में। हम लोग रेसिपी आज रेडी करेंगे। मशरूम मटर, मटर मशरूम, मटर मशरूम या पनीर मशरूम, पनीर मटर, मटर पनीर, कुछ भी आज बन, हाँ कुछ भी बनेगा, कुछ बनेगा उसका रेसिपी हम आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। साउथ में, नॉर्थ इंडियन की तरह हम लोग बनाएंगे, साउथ इंडियन में नॉर्थ इंडियन का टेस्टी वाला एकदम फूड बनेगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए खाना बनाते हैं, ब्लॉग में आप बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्त है सुधीर, ये रेसिपी बताएगा कैसे हम लोग खाना बनाएंगे, ठीक है। पीछे देख सकते हैं वो पवन बैठा हुआ है, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, और इधर हम आ चुके हैं एक किचन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे भाई लोग बैठे हुए सुधीर, सुधीर भाई, और उधर है पीयूष, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर बैठे हैं खाना बनाने के लिए। गोभी, हम लोग गोभी बनाएंगे, गोभी बनाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और रेसिपी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सिवैया है, आशीर्वाद का सिवैया लेके आए हम लोग। तो चलिए खाना बनाते हैं और सारा रेसिपी, अब रेसिपी लोग बताना कर सकते रेसिपी कैसे बनाते हैं। मटर, मटर गोभी बनेगी। हाँ, मटर को भी बनेगी। तो चलिए आप आराम से मोबाइल को कहीं सेट कर देते हैं, आप आराम से देखते रहिए, ठीक है, कैसे कैसे सारा प्रोसेस चल रहा है, सारा प्रोसेस दिखाना है। यस, ओके, नहीं थोड़ा थोड़ा करके देखो, प्याज कैसे कटते हैं, ठीक है। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही एंटरटेनिंग ब्लॉग होने वाला है। कुछ कुछ हम लोगों ने डिस्कस भी किया, वो सारा चीज आप इस ब्लॉग में बीच बीच में डालेंगे, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। इधर बैक कैमरा से और इधर खाना, इधर देखिए क्या कटा रहा है, ये क्या आलू, देखिए फूड ब्लॉगर ऐसे करते हैं, ये क्या है भैया, इसको क्या बोलते हैं? इसको आलू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या से काट रहे हो, क्या है वो? दिस इज नाइफ। अच्छा नाइफ, वो चाकू है क्या? चाकू, चाकू। अच्छा अच्छा, ये हार का नजारा दिखाते हैं और बाहर हम निकल गए अभी छत पे, ठीक है, हम है अभी 5th फ्लोर पे और बाहर निकले तो आपको
दिख रहा होगा लाइट, और इधर अभी मौसम जो है बिल्कुल ही अच्छा है, मतलब बोले तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, देख सकते हैं कितना क्लीन वेदर है, एकदम क्लीन है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और इधर है, इधर से किचन का एक खिड़की है, इधर देखते हैं किचन में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है किचन में, मसाला रेडी हो रहा है, ये धनिया है। अच्छा धनिया, धनिया धनिया दिखाइए किधर, चिकन चिकन, दिस इज द धनिया पाउडर। अच्छा धनिया पाउडर है, यस, ओके ओके ओके। और क्या, चिकन चिकन मसाला। अच्छा चिकन मसाला, गरम मसाला। अच्छा अच्छा, दिस इज, ये हल्दी है। अच्छा अच्छा, और ये चिली ड्राई। तो बताओ अभी क्या जो बन रहा है, अभी हम लोग गोभी बताइए कैसे बनाए, जो मसाला जो बनाए इतना टेस्टी, जो देखने में लग रहा है तो खाने में कितना बहुत टेस्टी लगेगा, तो कैसे उसका राज क्या है, कैसे राज नहीं, राज समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा, यही बात सही, राज नहीं बनाए, राज बता पब्लिक हो जाएगा, इसलिए कॉपीराइट हो जाएगा ना। हाँ कॉपीराइट हो जाएगा, पेटेंट है इनका जो रेसिपी, वो पेटेंट है, वो कोई दोबारा दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। एक राज इधर है आटा सानने का, देखिए ये आटा सानने का जो राज है, ये भी एक राज है, ये भी नहीं बता सकते, इसमें एक बात भी बोल सकते हैं। तो देखिए इधर है बाबूराव, हार्पिक हार्पिक इसमें किस क्यों दिखा रहा है, पागल औरत, तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है, चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोले, क्या है, कहां जा रहे हैं ऐसे, और शांति से बैठे हुए हैं, इनसे कुछ बात विचार करते हैं, भाई क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, गुड, ऑल गुड। तो चलिए अब खाना बन रहा है, लगभग सब्जी रेडी हो रहा है और आगे का प्रोसेस देखते हैं, सब्जी बनने के बाद फिर रोटी बनेगा, रोटी बनने के बाद फिर शायद हम लोग खाने बैठ जाएंगे, रोटी बनने के बाद सेवैया। अच्छा हाँ, सब्जी रोटी उसके बाद सेवई बननी बाकी है, अभी सेवई बनेगा उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठेंगे, तो आगे का अभी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी रात का 12 बज गया है और अभी यहाँ से खाना खा लिए, ठीक है, और निकलते हैं। सुधीर बाय बोल दो भाई, ठीक ठीक, बाय बाय, इधर सब लोग इधर, बाय 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 बाय। अरे इधर श्री चंदन आ गया, इधर श्री चंदन, चलते हैं, खाना पीना हो गया, जाते हैं अपने रूम पे, जा रहे हैं भाई, ठीक है भाई, गुड नाइट। तो रात के बज रहे हैं 12 और अभी हम दोस्त के रूम से निकल गए हैं बाहर, मेरे साथ हैं इधर विनीत ब्रो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे, तो चलिए चलते हैं। ठंडा इधर कुछ भी नहीं है, ठंडा है नहीं, ठंडा नहीं है इधर, ठंडा नहीं है, आप लोग की तरफ अक्टूबर नवंबर में, हाँ अभी हम लोग तरफ लोग क्या होगा, रजाई में भी सो रहे होंगे पूरा एकदम पैक होकर, लेकिन हम लोग इधर नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो चलिए रूम पे चलते हैं। मॉर्निंग टाइम में रहता है, हाँ मॉर्निंग टाइम में ठंडा रहता है, लेकिन अभी ठंडा नहीं है उतना, लेकिन यहाँ का विंटर जो है सही है, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता है, सही है। चलिए चलते हैं रूम पे, फरवरी मार्च में गर्मी, दोस्त के रूम पर गए थे, वहाँ पे खाना पीना खाए, उसके बाद आराम से रात में टहलते हुए अपने रूम पे आ गए। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।